हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रूट मार्च से दिया भयमुक्त मतदान करने का संदेश। अगले माह होने वाले विधानसभा चुनाव में भयमुक्त मतदान करने के लिए पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को महानगर के नागौरी गेट थाना क्षेत्र में रूट मार्च किया गया। रूट मार्च विभिन्न इलाकों में किया गया। प्रदेश में अगले माह 7 तारीख को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। भयमुक्त मतदान के लिए जिले के महानगर और ग्रामीण इलाकों में पुलिस, बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों का लगातार रूट मार्च जारी है। इस रूट मार्च के जरिए मतदाताओं को मताधिकारी का उपयोग करने के लिए जागृत किया जा रहा है, साथ ही भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश दिया जा रहा है। रविवार को जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के पूर्व जिला के अधीन नागौरी गेट थाना क्षेत्र में पुलिस और आरएसी के जवानों ने संयुक्त रूप से रूट मार्च किया गया। ये रूट मार्च कलाल कॉलोनी, कागा कागड़ी, उदय मंदिर, नागौरी गेट के भीतरी भाग आदि इलाकों में किया गया। रूट मार्च के दौरान एसीपी सेंट्रल गीता और नागौरी गेट थानाधिकारी लून सिंह ने आमजन से भयमुक्त होकर मतदान करने का आह्वान किया। चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कि भयमुक्त वातावरण बने इस सभी इलाके में और भयमुक्त होकर के मतदान करें, इस सिलसिले में पुलिस के द्वारा जो है रूट मार्च किया जा रहा है, जिसमें आरएसी के हमारे पास जवान हैं और थाने का और जाप्ता है और सभी ऑफिसर्स भी हैं साथ में, और जो लिकर्स बेचते हैं उनके घरों की एचएस हैं, जो हार्डकोर्स हैं उनके घरों की तलाशी भी ली जा रही है और उनको पाबंद किया जा रहा है ताकि भयमुक्त वातावरण हो सके। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।